नमस्कार, मेरा नाम राजेश्री व्यास है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और अहिल्यापुरा में रहती हूँ। मुझे अचानक मई में एकदम डकारे डकारे 24 घंटे चालू हो गई। उसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके बाद मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए तो किसी ने सूजन बताई, किसी ने क्या बताया, ऐसे करते करते हालत दिन पे दिन खराब होती गई। उसके बाद जब सोनोग्राफी करवाई गई तो उसके बाद मुझे बताया गया कि मेरा एक वॉल्व खराब है और उसी की वजह से मेरा सारा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में मेरी फ्रेंड के मतलब बच्चे ने बताया कि जुपिटर एक ऐसा हॉस्पिटल है, मैम वहाँ जाके आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर अमरीश पटेल और डॉक्टर हेमंत महाजन सर से आप मिलिए। 1.5 महीना हो गया था मुझे जब मैं यहाँ आई और डॉक्टर से मिली, डॉक्टर अमरीश पटेल जी से। तो उन्होंने सबसे पहले बहुत ही मतलब अच्छे व्यवहार से मुझसे बात की। उन्होंने उसके बाद मुझे कहा कि आप घबराए नहीं, ऑपरेशन बिल्कुल 15 मिनट का होगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, तो बोले नहीं 15 मिनट का ऑपरेशन होगा और बिल्कुल डिलीवरी के जो ऑपरेशन होते हैं उससे भी छोटा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप चलोगी फिरोगी सब कुछ होगा। मैं अभी से आपको मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा और मैं कॉन्फिडेंट मतलब इतना कॉन्फिडेंस दिलाया सर ने मुझे कि मुझे लगा कि शायद यही होता है बस इतना सा। सब तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा डॉक्टर। और जब यहाँ पे मैं भर्ती हुई 7 तारीख को और बहुत अच्छे से, इतना अच्छा स्टॉफ है, सभी ने मुझे इतना मतलब कोऑपरेट करा और सभी ने मुझे बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं, आप घबराओ नहीं, 15 मिनट में तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं मानसिक तौर पर भी अच्छी हुई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी डॉक्टर साहब से मिलने, तो उन्होंने मुझे एक दिन में खाना खिलाना चालू कर दिया, जो मैं 1.5 महीने से खाना नहीं खा रही थी। घर जाकर जो उनकी दवाइयाँ खाई तो उन्होंने मुझे मतलब घर जाके मैं खाना मांगने लग गई, तो घर वालों को भी कॉन्फिडेंस हो गया कि यार नहीं बिल्कुल ये डॉक्टर कर सकते हैं और हो सकता है सब कुछ। हम सब पूरी फैमिली कॉन्फिडेंस में आ गए और हम लोग यहाँ आए और फिर हमने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। और जब ऑपरेशन हुआ तो वाकई में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन कैसे और क्या हो गया। कोई मुझे दर्द नहीं हुआ, खैर थोड़ा बहुत तो दर्द होता है, तो मुझे नहीं हुआ। और 8 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके 4 दिन बाद डॉक्टर साहब ने मुझे हाथ पकड़ कर चला दिया। मैंने कहा नहीं मेरा ये, बोले कुछ नहीं होगा, आप चलो, कैसे नहीं चलोगी, चलना तो पड़ेगा, हमने इतना बड़ा ऑपरेशन करा है, काहे के लिए करा है, चलने के लिए तो करा है, तुम क्यों घबराती हो। जब मैं चली तो वास्तव में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। पहले तो दोनों सिस्टरों ने पकड़ कर मुझे चलाया, बाद में मैं अपने आप चलने लगी, फिर मुझे लगा कि वास्तव में मैं चल सकती हूँ, कुछ नहीं हो सकता है मुझे। और फिर 15 तारीख को तो मेरी छुट्टी हो गई, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और जब घर गई वापस आई तो टाके भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए और मेरा वजन भी जो दिन पे दिन मेरा वजन घट रहा था 20 किलो घट गया था, मेरा वापस घर जाने के बाद मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया। तो इसके लिए मैं तो मतलब पूरा स्टाफ इतना अच्छा है, नर्सें इतनी अच्छी है और यहाँ का सारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि इंदौर में इतना अच्छा हॉस्पिटल होगा कि जहाँ पे मैनेजमेंट इतना अच्छा है। यहाँ पे मतलब आप एक बस एक आवाज़ भी नहीं लगाने पड़ेगी आपको, एक घंटे का स्विच दबाना पड़ेगा, इतने में तो आपके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे सब सिस्टर नर्स वगैरह। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर का वातावरण है यहाँ, ना कोई फिनाइल की बदबू है, ना कोई डॉक्टर जैसे डॉक्टर की दवाइयों का वहाँ। जैसे मैं 2 हॉस्पिटलों में भर्ती रही तो बहुत घबरा गई थी, मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में कभी भर्ती नहीं होंगी। लेकिन मुझे जब मैं यहाँ से गई तो मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, मैं यूँ कह रही थी मुझे यहीं रहना, तो घर वाले बोले यहीं कमरा ले लेते हैं। तो मतलब हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये बस हम यहाँ से सीखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी चेकअप के लिए भी आई हूँ, टाके मेरे सब अच्छे हो गए हैं और बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। मैं चाहती हूँ कि जिसे भी दर्द तकलीफ है एक बार जुपिटर जरूर आए और मतलब इतना अच्छा हॉस्पिटल है, आप भी इसका उपयोग करें।